हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स। तो स्टूडेंट, हम मैथ्स में सीख रहे थे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और उसमें हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हमारे चैप्टर 8 को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, तो हमें क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दिया है 15 cot A is equal to 8 और find sin A and sec A। आपको sin A और sec A find करना है और हमें दिया है 15 cot A is equal to 8। बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पर हमें पहले तो क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ही चाहिए, आपको पता ही है। तो बच्चों, यहाँ पर कैसे मिल सकता है, तो यहाँ पर देखिए 15 cot है, उसमें से मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ cot A को, यानी कि मुझे cot A चाहिए, तो जो 15 है वो cot के साथ मल्टीप्लाई में होगा, उसको मैं राइट साइड भेज दूंगा तो कहाँ पर चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि क्या हो जाएगा 8/15। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 8/15 मिला हो, क्या मिल गया है, कोट मिल गया है, यानी कि आपको कोट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा कोट का फॉर्मूला बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन में क्या आएगा, ओपोजिट साइड। यहाँ पर मैं साइड नहीं लिख रहा हूं, आपको बताइए। तो चलिए भाई, मैं ट्राइंगल बना देता हूं। अब यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल, ए को तो मैं राइट पर रख नहीं पाऊंगा, तो यहां पर मैंने लग दिया बी, ए को मैंने ऊपर रख दिया, सी को यहां पर रख दिया। अगर ए को आपको यहां पर रखना है सी की प्लेस पर तो रख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है आपकी बात, लेकिन मुझे यहां पर रेफरेंस में ए को ही रखना है। अगर आप ए यहां पर रखें या सी की प्लेस पर रखें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेफरेंस में ए को रखना है क्योंकि हमें कोट ए दिया है। तो भाई, ए की एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, यहां पर बाजू वाली यानी एडजेसेंट साइड हमारी 8 हो गई, उसके बाद ऑपोजिट यानी ए के ऑपोजिट में यहां पर बीसी साइड है, तो बीसी हमारे 15 हो गए। तो बच्चों, हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तीनों साइड होनी चाहिए, यहां पर तो सिर्फ दो ही साइड है। चलो तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, आपको पता ही है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या आने वाला है बच्चों, BC स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, AC स्क्वायर हमारे पास नहीं है, यहाँ पर AB स्क्वायर है 8 का स्क्वायर और प्लस कर देते हैं 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा बच्चों और 15 का हो जाएगा 225। तो मुझे AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मैं प्लस करूंगा तो 5 और 4 9 4 और 2 6 और आगे हो जाएगा कितना हो गया 4 और गलती हो गई। देखिए यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ 225 और 64 का, यहाँ पर हो जाएगा 982। अच्छा, तो 289, यानी कि ये मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 289 का, स्क्वायर से यहाँ पर स्क्वायर रिमूव हो गया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगेगा ना, तो मुझे एसी मिल जाएगा कितना, 17 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ पर मेरा बन गया 17। ओके, 17 मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे जो भी फंक्शन चाहिए मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे चाहिए साइन ए और सेक ए। तो बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले तो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि पहले तो ओपोजिट साइड अपॉन में आएगा हाइपोटेन्यूस। तो चलो बच्चों, ओपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ए की ओपोजिट तो 15 है और हाइपोटेन्यूस अभी हमने फाइंड कर लिया 17, यानी कि 15/17। और एक फंक्शन बाकी है यहाँ पर सेक ए, सेक यानी बच्चों कोस का इनवर्स, तो कोस आपको पता होना चाहिए, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो सेक यानी उसका उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में क्या आने वाला है, एडजेसेंट साइड। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूस हमारा 17 है और एडजेसेंट यानी कि ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए। तो यहां पर मुझे दोनों फंक्शन मिल गए हैं, साइन ए हमारा 15/17 और सेक ए हमारा 17/8 आ गया, यानी कि हमारा 4 नंबर वाला सम यहां पर फिनिश हो गया है। बच्चों, तो अब बात करते हैं यहाँ पर 5th नंबर के सम की, एक्सरसाइज 8.1 का ही सम है, हाँ 8.1 में ही है हम। तो चलिए, आपको यहाँ पर फंक्शन दे दिया है sec थीटा, यानी कि कोस का इनवर्स, याद रखिए 13/12 दिया है, तो कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। रेशियो यानी क्या भाई, ऑल अदर्स यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शंस है ना, साइन कॉस टेन कोसेक और सेक तो हमें दिया है और कोट, तो 5 फंक्शन में फाइंड करने, टोटल 6 फंक्शन है टोटल, यहाँ पर हमें 1 फंक्शन तो दे दिया है, यानी कितने फंक्शन बाकी रह गए हैं, टोटल हमारे 5। तो चलिए, पहले तो ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, उसके बाद तीनों साइड की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद जाके हमें सारे फंक्शन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि चलेगा।
चलो उसको मैं नेम दे देता हूँ ए बी और सी। तो बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री होगा और हमें सेक थीटा बोला है, तो थीटा आप ए को भी बोल सकते हैं और सी को भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं थीटा यहाँ पर सी की प्लेस पर बोल देता हूँ, तो मुझे दिया है सेक थीटा। तो बच्चों याद कीजिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू हमें दे दिया है 13/12। तो सेक थीटा यानी कोस का इनवर्स यानी कि हाइपो अपॉन में हो जाएगा एडजेसेंट। तो बच्चों हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा और एडजेसेंट साइड यानी कि थीटा की एडजेसेंट बाजू वाली साइड हो जाएगी 12। तो हमें ओपोजिट साइड ए बी फाइंड करने की बाकी रह गई ना बच्चों, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे पाइथागोरियन थ्योरम, यानी कि क्या हो जाएगा यूज करेंगे तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। एसी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 13 का स्क्वायर पहले कर ही देता हूँ, ए बी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है और यहाँ पर 12 का स्क्वायर। तो बच्चों 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का 144 अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा AB का स्क्वायर। तो बच्चों मुझे मिल जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू इनका माइनस करूंगा तो 25 और AB यानी इन दोनों का स्क्वायर रूट यानी 5 सेंटीमीटर। तो AB तो मुझे मिल गया 5 सेंटीमीटर, यहां पर मैं लगा देता हूं 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बाकी के सारे फंक्शन फाइंड करने हैं, तो यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप एक-एक फंक्शन आपको फाइंड करके दिखा देता हूं। पहला मुझे चाहिए sin थीटा, थीटा है ना, तो साइन थीटा यानी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है भाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ओपोजिट साइड अपॉन में क्या आने वाला है हाइपोटेन्यूस। तो चलिए यहाँ पर ओपोजिट साइड यानी कि थीटा की ओपोजिट में कौन दिख रहा है आपको 5 और डिवाइड में हाइपोटेन्यूस आपका है 13। सेकंड फंक्शन फाइंड करता है कोस थीटा। बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कोस थीटा यानी सेक का इनवर्स, तो सेक हमें क्वेश्चन में ही दिया है 13/12। तो देखिए आपका कोस क्या मिलने वाला है 12/13 ही मिलेगा। हम फॉर्मूला से करते हैं, पहले तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन में हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो चलो एडजेसेंट साइड यानी कि थीटा की बाजू वाली, तो 12 अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका कितना है 13 है। तो देखिए आया कि नहीं इनवर्स, इजी है, ऐसे ही करना है आपको। तीसरा फंक्शन है टेन थीटा, तो टेन थीटा यानी क्या करना है आपको ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाइपो को निकाल देना है तो ओपोजिट साइड अपॉन में आ जाएगा एडजेसेंट साइड। तो चलिए ओपोजिट साइड थीटा की है 5 और एडजेसेंट यानी कितनी है 12। अब तीन फंक्शन तो आपको डायरेक्टली मिलने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है इनवर्स करते जाना है, तो बाकी के तीनों तीन मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ 5 ही फाइंड करना है तो कर देते हैं चलिए। तो बच्चों हमारा फोर्थ नंबर वाला फंक्शन कौन सा था कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यानी कि साइन का ऑपोजिट कर देना है तो 5/13। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 13/5, कोई फॉर्मूला पुट करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद 5 नंबर वाला सेक थीटा, तो चलिए सेक थीटा तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है 13/12, तो वापिस यहाँ पर लिख देते हैं 13/12, ना लिखे तो भी चलेगा। और लास्ट फंक्शन है कोट थीटा, तो कोट थीटा यानी किसका इनवर्स होगा बच्चों 10 का, 10 का 5/12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट 12/5। यानी कि हमें 6 फंक्शन मिल गए हैं, हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के सारे जो रेशियो है हमें मिल गए हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश हो गया है। बच्चों यहाँ पर 6 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 6 क्वेश्चन में आपको दिया है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि आपको एंगल ए और बी एक्यूट बताया है, दूसरा कुछ दिया नहीं है, कोई भी फंक्शन भी नहीं दिया है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हाँ एक चीज दी है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यानी कि ए और बी दोनों एक्यूट हो गए, सिंपल है। और हमें शॉर्टहेड यानी कि प्रूफ क्या बताना है, हमें एंगल ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों एंगल सेम है ऐसा प्रूव करना है। तो बच्चों यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई फंक्शंस हैं हमारे, यानी कि हमारा चैप्टर है, उसमें ट्राइंगल कौन सा यूज करना है राइट एंगल, तो यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ करने वाला हूँ, दूसरा कुछ भी ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। लेकिन ए और बी तो हमें एक्यूट बता दिए है, यानी कि 90 तो रख नहीं सकते ए और बी, और वैसे भी नहीं हो गए क्योंकि यहाँ पर कॉस है और कॉस बी, तो फंक्शन जो हो गए ना जिसके साथ फंक्शन के साथ जो एंगल होगा वो 90 से कम ही होगा, 90 वाला कभी भी कोई भी एंगल 90 वाला जो है वो फंक्शन के साथ आएगा ही नहीं, आपका थीटा यहाँ पर या तो यहाँ पर दोनों प्लेस वैसे किसी एक प्लेस पे होगा। तो चलो यहां पर हमारा सी दे देते हैं, यहां पर ए और बी दोनों एक्यूट हो गए कि नहीं भाई, 90 से छोटे हो गए ना, सिंपल है। कैसे हो गए कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन तो 180 होता है, तो यहां पर 90, तो बाकी कितना बचेगा, तो 90 इन दोनों का प्लस हो गई 90 होगा, तो इन दोनों एंगल 90 से छोटे यानी एक्यूट ही हो गए, अंडरस्टैंड। तो चलिए यहां पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर हम लेट ड्रॉ ट्रायंगल ABC in which
एंगल सी इज इक्वल टू 90, भाई सी को हमने 90 रख दिया, यहाँ पर दिया नहीं है हमें, हमने खुद ले लिया। ओके तो चलिए अब बात करते हैं, हमें जो दिया है कंडीशन उसकी, तो हमें दे दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए कॉस की, कॉस यानी उसका फॉर्मूला क्या है, तो कॉस का फॉर्मूला आपका एडजेसेंट साइड अपॉन में आने वाला है ओपोजिट साइड, सॉरी हाइपोटेनस। चलो इज इक्वल टू, यहां पर भी कॉस है तो भी कॉस का तो वही रहेगा ना, एडजेसेंट साइड अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस। लेकिन बच्चों यहां पर आपका रेफरेंस है ना वो अलग अलग, यहां पर एंगल ए है तो ए को आप रेफरेंस में रख लीजिए पहले, तो ए की एडजेसेंट यानी बाजू वाली साइड कौन सी है, ए सी, और अपॉन में आ जाएगा हाइपोटेनस ए बी, यहाँ पर बीच में तो इक्वल टू की साइन है। अब एडजेसेंट किसकी, कॉस बी की, तो पहले बी को रेफरेंस में रखते हैं, तो बी की एडजेसेंट यानी बाजू वाली साइड हो जाएगी बी सी अपॉन में हाइपोटेनस, तो ए बी होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की डिवाइड में ए बी इक्वल है तो कट हो गया, यानी कि मुझे मिल गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, इसका मतलब यही हो सकता है कि यहाँ पर आपकी ए बी और बी सी साइड इक्वल है, यानी कि दो साइड इक्वल, तो आपका ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केल ट्राइंगल। तो बच्चों आप याद कीजिए स्टैंडर्ड 9 क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2, आपकी पूरी एक्सरसाइज 7.2 जो थी स्टैंडर्ड 9 में वो आइसोस्केलेन ट्रायंगल के बेस पर ही थी। उसका बेस क्या था कि भाई दो साइड सेम होगी तो उसके ऑपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, सेम होंगे। यहां पर AC, तो AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, B, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू BC के ऑपोजिट, तो BC यहां पर है, उसके ऑपोजिट एंगल A है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू B लिख सकते हैं। यहां पर हमारा थ्योरम है 9 स्टैंडर्ड का, मुझे लिखना हो तो मैं यहाँ पर रीजन लिख सकता हूँ, बिकॉज रीजन क्या लिखूंगा कि भाई एंगल्स आर इक्वल टू ऑपोजिट साइड, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, यहां पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा। ओके तो चलिए यहां पर हमारा सम नंबर 6 जो था वो फिनिश हो गया है। ओके तो आज हमने सीखे कौन कौन से सम इस वीडियो में, तो 4, 5 and 6 सम, तो आगे के सम भी सीखने वाले हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए गुड बाय।